In this episode, I will discuss what is fermentation, what is beer and wine, and then I will discuss what are the health effects of beer and wine. Fermentation एक metabolic process है जिसमें हम oxygen की गैर मौजूदगी में carbohydrates की breakdown करते हैं with the help of enzymes. फिर हम इससे ये करते हैं कि enzymes को different condition देके desirable taste हासिल कर लेते हैं. और वो साइंस जो फर्मेंटेशन को स्टडी करती है उसे हम जाइमोलॉजी कहते हैं. ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एक तो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, बाकी उसमें दूसरी डिजायरेबल प्रोडक्ट भी हासिल होती हैं. अब जब हम लैक्टिक एसिड को यूज करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो है अकॉर्डिंग टू सब्सट्रेट को देखते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड को अगर स्पेसिफिक कंडीशन दी जाए बार्ले के लिए तो वो बियर बनाएगा, अगर ग्रेप्स के लिए तो वाइन बनाएगा, अगर उसे मिल्क दिया जाए तो वो जॉगर्ट बनाता है. सेम इसी तरीके से जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो इन डिफरेंट माइक्रोब्स को यूज करते हुए बायोफ्यूल, एंजाइम्स, प्रोटीन और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है. नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन, जिसमें एथेनॉल है, लैक्टिक एसिड है, हाइड्रोजन गैस है, प्रोटीन है और एंजाइम. नेक्स्ट व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, जिसमें लैक्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन है. दैट व्हाट प्रोडक्ट्स आर कंसीडर्ड फर्मेंटेड, केफिर है, टेम्प है, नेटो, कंपोचा, मिचू, कंबीची, सॉरक्रॉट एंड प्रोवेट जोगेट. बियर जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाला ड्रिंक है आफ्टर वाटर एंड टी, और इसको हम स्टार्च की फर्मेंटेशन से हासिल करते हैं. वो स्टार्च जो सीरियल ग्रेन से हासिल की गई हो, बार्ले से, वीट से, मेज से, राइस से, ओट से, तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाजू का इतनी नहीं होती कि जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है. जिस तरह आप पेप्सी की या कोका कोला की बोतलें खोलें तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोर्स से निकलती है, तो वो इस पे बिलीव नहीं करते बल्कि उसमें फोर्सफुली कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करते हैं उसको ठंडा करके स्पेसिफिक लिक्विड को. नेक्स्ट है इसमें बाजू का अब हॉप्स भी यूज हो रहे हैं क्योंकि बिटर टेस्ट के लिए, जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इफेक्ट करता है. लेकिन हॉप्स के अलावा कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रुवेट, हर्ब और दूसरे फ्रूट्स भी यूज कर रही हैं उसको फ्लेवर बेहतर करने के लिए, उसमें बिटरनेस लाने के लिए, ताकि वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे इफेक्ट करे. नेक्स्ट है हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ बियर. बियर में क्योंकि यीस्ट यूज होती है, यीस्ट की फर्मेंटेशन से बनती है, तो इसमें यीस्ट न्यूट्रिएंट्स का रिच सोर्स है, जैसा कि मैग्नीशियम है, सिलीनियम है, पोटाशियम है एक्स्ट्रा. और ब्रेड को कुछ लोग तो लिक्विड ब्रेड भी कहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर ब्रेड नहीं है. अब इसके नुकसान की बात करें, पहला इसका नुकसान ये है कि वो लोग जो इसको मुसलसल पीते रहते हैं वो इसके आदि बन जाते हैं. अगर उनको वो नहीं मिलती टाइम पे तो फिर वो एक दूसरे के साथ लड़ना, घर वालों को मारना धाड़ना, जिससे सोशल सिस्टम जो है प्रॉपर डिस्टर्ब होता है. नेक्स्ट, इसके पीने से इंसान की जिंदगी जो है 10 साल कम हो जाती है, यानी कि फॉर एग्जांपल पहले 70 साल थी तो फिर वो 60 साल होगी, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें 5.9% जो डेथ हो रही है वो अल्कोहल की वजह से है. नेक्स्ट, तीसरा इसका नुकसान ये है कि जो इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स जो है वो 110 है, जबकि होल व्हीट फ्लोर का 70 से 75 है. और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट कहते हैं कि आप मल्टी ब्रेड यूज किया करें, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है. तो अगर आप मल्टी ब्रेड यूज करेंगे या मल्टी फ्लोर आटा यूज करेंगे तो उससे जो शुगर होने की परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा 50 to 60% वो कम हो जाती है. अब कोई भी डॉक्टर जो है वो रिकमेंड नहीं करता अपने मरीज को कि तुम लोग बीमार हो और ये शराब पियो तो ठीक हो जाओगे. अब बात करते हैं इसकी कंजप्शन की, कि इंसान को कितना रिक्वायर्ड है दिन में. इंसान को, मर्द को 2 पैक लेने चाहिए, जो कि 1 पैक 341 ml का होता है, जबकि औरतों के लिए अगर वो आदि हैं, अगर उनको लाजमी ही लेना है तो फिर वो 1 पैक लें. नेक्स्ट है वाइन. वाइन को हम यीस्ट की फर्मेंटेशन से बनाते हैं. स्पेशली पहले तो इसको जो कदीम जमाने में इसको ग्रेप्स से ही बनाते थे, लेकिन आजकल यीस्ट की डिफरेंट स्ट्रेनें यूज करके ग्रेप्स को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन बनाई जा रही है. जबकि आजकल के दौर में वाइन को सिंपल ग्रेप से नहीं बनाया जा रहा, बल्कि इसके लिए डिफरेंट फ्रूट्स यूज किए जा रहे हैं, जैसा कि प्लम है, चेरी है, पोमग्रेनेट है, ब्लैक करंट है और एल्डरबेरी है.
और इसके बाद जो फाइव बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं वाइन के, उनमें इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है और चुंगवा है। नेक्स्ट है हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ वाइन। वाइन जो है, कुछ स्टडीज ये कहती हैं अगर आप इसकी सही मकदार पीते हैं, यानी कि 1 पैक औरतें और 2 पैक मर्द, तो ये दिल की बीमारियों को कम करते हैं और सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर करती है वाइन। लेकिन अगर तुम ज्यादा पियोगे तो ये दिल की बीमारियां बढ़ाती है और हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है, स्ट्रोक का और कैंसर का। लेकिन कोई भी डॉक्टर जो है आपको कभी भी, जिस तरह बेयर में नहीं सजेस्ट करता कि तुम वाइन पियो ठीक हो जाओगे, तो ये सजेशन वाली बात नहीं है। जबकि कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है, अक्सर आपने देखा होगा कि शादी ब्याह पे अगर बहुत ज्यादा गोश्त खाना चाहते हैं, जो कुछ अमीर लोग जो हैं वो लाजमी बेयर या वाइन का प्रोग्राम करते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को ये बेहतर करेगी। और वैसे इसको पहले दिनों में, जब औरतों को बच्चे हो रहा था, दर्द होती थी, उससे बचने के लिए औरतों को थोड़ा सा ये दी जाती थी फाइन। जबकि एंटीसेप्टिक तो है ये, फॉर एग्जाम्पल आपके जिसम में कोई वॉन्ड वगैरह हो जाए और आप चाहते हैं कि इस पे कोई मैकेनिज्म ग्रो ना करें, तो आप वो यूज कर लें तो इससे बच बचाव हो सकता है। जिस तरह सिप्रेट है, उसमें भी इस तरह की कोई अल्कोहल होती है, तो ये डायरिया और लिथार्जी के खिलाफ भी काफी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।